विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव तीज जैसे महान पर्व के दिन रुपया बांट रहे हैं, वह भी पंचायती राज प्रक्षेत्र के तहत है, वहां सार्वजनिक सभा कर रहे हैं। मैंने प्रलोभन एक तरह से इसको कहा जाए, और ये गंभीर विषय है। यह हमने ही दिखाया था कि कैसे लालू यादव नोट बांट रहे थे। वो तो ये कहना भी मंजूर नहीं करते कि हम लालू यादव के बेटा है, पीछे से कहवाते हैं कि लालू यादव के बेटा ही तेजस्वी यादव है। लगता है लालू यादव का होना भी गुनाह इनको लगता है। नौकरी लो, जमीन दो, अपने पैतृक गांव में ननिहाल में वो खेल हुआ है। हमारे साथ हैं नीरज सिंह, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री, जो बता रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव गोपालगंज में थे और एक इलाके में उनका वीडियो है, जो ऑफिशियल उनका जो आरजेडी का फेसबुक अकाउंट है उस पर, जिसमें वो पैसा देते हुए देखे जा रहे हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव आदर्श आचार चुनाव संहिता प्रभावी होने के बाद महारानी पंचायत के महारानी गांव में तीज जैसे महान पर्व के दिन रुपया बांट रहे हैं, और सार्वजनिक सभा जो बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ, वह भी पंचायती राज प्रक्षेत्र के तहत है, वहां सार्वजनिक सभा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो चुनावी सभा करना और साथ ही साथ उस सभा में अपने ऑफिशियल जो उनका आरजेडी का है उसमें यह साफ तौर पर प्रतिवेदित हो रहा है कि वह कहा जा रहा है कि भाई आप, मैंने प्रलोभन एक तरह से इसको कहा जाए, प्रलोभन का भी काम पैसा बांटने का आरोप। तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज के लिए जो संस्था है, जो चुनाव कराने के लिए, जरूर इसको संज्ञान में ले, और ये गंभीर विषय है। यह आपको लग रहा है कि आज से ठीक 2004 के आसपास की घटना है, उसमें हमने ही दिखाया था कि कैसे लालू यादव नोट बांट रहे थे पटना के ही मनेर इलाके में, और उस वक्त काफी बवाल हुआ था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो पंचायती चुनाव में जो अभी है, क्या पिता लालू यादव के पद चिन्हों पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं? बिल्कुल, वो तो ये कहना भी मंजूर नहीं करते कि हम लालू यादव के बेटा है, पीछे से कहवाते हैं कि लालू यादव के बेटा ही तेजस्वी यादव है। लगता है लालू यादव का होना भी गुनाह इनको लगता है। उनकी संपत्ति के वारिस, और गोपालगंज में ही नौकरी लो, जमीन दो, अपने पैतृक गांव में ननिहाल में वो खेल हुआ है। तो हम यह समझते हैं कि पूरे तौर पर जिस तरीके का वीडियो आया है और ऑफिशियल उनके पेज से युवा राजद ने किया है, तो स्वाभाविक है, आदर्श आचार संहिता का यह सीधा उल्लंघन है। इसके लिए पंचायती आम चुनाव के लिए 2021 का नियम प्रभावी है, तो पंचायती राज का जो भी सक्षम संस्था है, चुनाव प्राधिकार, इसको संज्ञान में ले। अब यह आरोप जाहिर है कि तेजस्वी यादव और पार्टी पर है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पंचायती राज के तहत चुनाव होने हैं, ऐसे में आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप जेडीयू लगा रही है, तो इस पर आगे क्या कोई कार्रवाई होगी? हमारे सहयोगी राजेश और विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।